कीजिए हमारे चैनल रॉयल राजपूताना किचन को और इस घंटे बटन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रॉयल राजपूताना किचन। सो आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही शानदार, चटाकेदार और मसालेदार सब्जी, चटपटी और टेस्टी। बहुत मज़ा आ जाने वाला है सब्जी खा करके आपको। तो उसके इंग्रेडिएंट्स से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ हम लोग लेंगे अजवाइन, ठीक है। तो ये जो अजवाइन ली है मैंने, एक चम्मच ली है। इस स्पून से हम लोगों ने सारे अपने मेजरमेंट किए हैं, आप भी अपने एक स्पून फिक्स कर लें। और यहाँ पे हम लोग लेंगे काला नमक और सफ़ेद नमक, ये दोनों लिए हैं मैंने। आधा चम्मच काला नमक का लिया है और दो बड़े चम्मच सफ़ेद नमक का लिया है। लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने दो बड़े चम्मच, या फिर स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। या खड़े मसालों में हम लोग लेंगे तीन, मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, कुछ मैंने जीरा लिया है, काली मिर्च, और यहाँ मैंने धनिए के बीज लिए हैं, और लौंग और दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो ये सारे मसाले हमारी सब्जी को और भी टेस्टी बनाने वाले हैं, तो इसे स्किप ना करें। हम लोग लेंगे हल्दी पाउडर दो चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, और दो बड़े चम्मच हम लोग लेंगे अमचूर के। और हम लोग लेंगे भिंडी, हमने 300 ग्राम भिंडी ली है, इसे लंबा लंबा कट कर लिया है। तो जैसे कि ये एक भिंडी, जैसे ये रियल में ही भिंडी है, और इसे ऊपर का ही हटा देंगे, नीचे का हटा देंगे, और फिर इसे बीच में से इस तरीके से काट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे भिंडी को कट किया है, आप अपनी शेप, जैसी शेप के आप चाहे वैसी कट कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे किया लिए हैं छोटे साइज़ के 4 से 5 टमाटर। ऑयल यूज़ करेंगे भिंडी को फ्राई करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हमें, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। तो अब लेंगे एक पैन या तवा जो भी, और इसमें डालेंगे हम लोग सारे हमारे खड़े मसाले जो भी हम लोगों ने लिए थे। अब हमें इसमें ड्राई रोस्ट करना है, घी या बटर का यूज़ नहीं करना है इसमें, और इसे 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आ जाए। ड्राई रोस्ट करने से इनका पूरा ऑयल निकल जाएगा, तो इससे ये बहुत अच्छा स्वाद देगा। तो इस तरीके से इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। दो मिनट बाद आप देखेंगे कि ये हमारा मसाला बिल्कुल कलर चेंज होके और भून करके तैयार हो जाएगा। इसे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब लेंगे हम लोग एक जार, इस जार में हम लोग डालेंगे काट करके टमाटर। तो मैंने ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है, बस 2 पीस में टमाटर को हम लोगों ने ऐसे करके इस पर डाल दिया है, और फिर उसके बाद में सारे टमाटर को ऐसे काट करके डालना है। और मैंने यहाँ पे 3 ली थी लाल मिर्च, उसमें से 2 मैंने रोस्ट किया था उसमें डाली है, और 1 हम लोग इसमें डालेंगे, और इसका एक बिना पानी के पेस्ट बना लेंगे। तो अब हमारे मसाले भी है वो भी रेडी हो चुके हैं ठंडे होकर के, उन्हें भी हम लोग थोड़ा दर दरा कूट लेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा इसे दर दरा कूटना है। आप ये प्रोसेस चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, बस मिक्सी में लेकिन फाइन पाउडर बन जाएगा, तो थोड़ा दर दरा ही रखना है। तो इस तरीके से इसे कूट लेंगे हम इसे। अब हम लोग फाइनल लेंगे हमारी कढ़ाई या फिर जिस भी चीज़ में आप बना रहे हैं वो, और फिर उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आपको इसमें बहुत ज़्यादा डालना है, तो ये मैंने बहुत सारा ऑयल डाला है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल के गर्म होते ही, और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी कटी हुई भिंडी। भिंडी को हमें फ्राई करना है, इसलिए आप ऑयल ज़्यादा नहीं डाल ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्राई होकर के, और सॉरी अभी इसे फ्राई करना है हमें, अभी फ्राई नहीं हुई है ये। सो इसे 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है चलाते हुए, तो यहाँ मैं पूरा डाल देती हूँ और ऑयल के साथ मिक्स करके, और इसे बिल्कुल चलाते हुए हमें 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है अभी। तो अभी भी इसे ऐसे चलाते रहें, अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए ये भिंडी ऑयल के साथ। इस प्रोसेस को करने से आपकी सब्जी में स्वाद तो आने ही वाला है, साथ ही में इसका जो लिप लिपा जो अजीब
सब वो होता है ना लिपली पॉप अपन कहते हैं जिससे हमें वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हमने सारी और भिंडियों को ऑयल के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग हमने जो नमक लिया था उसका आधा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। तो आप सब्जी में एडजस्ट कर लीजिएगा नमक। और इसमें हम लोग पूरा इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से नमक को, और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद ढककर के 5 से 10 मिनट के लिए इसे फ्राई होने देंगे हम लोग इसे। सो अब ये हमारा फ्राई होकर के रेडी हो चुका है। अब देखिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल 5 से 10 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं हम पूरा इसे। अब मैंने सेम पैन लिया जिसमें हम लोगों ने भिंडी फ्राई की थी उसी में अब हम लोग इस सब्जी को रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डालना है हमें, तो हमें 2 बड़े चम्मच ऑयल की डाली है और इसे हम लोग होने देंगे गरम, बिल्कुल गरम होने देते हैं इसे। ये देखिए बिल्कुल गरम हो चुका है हमारा जो ऑयल है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 और आधी चम्मच जीरा की, 1 और आधी चम्मच जीरा की डालने के बाद में इस पे हम लोग हमारी अजवाइन डाल देंगे 1 चम्मच। और अजवाइन का जो रॉ टेस्ट है मतलब कच्चापन है वो ख़त्म हो जाने के लिए हम इसे पहले डालेंगे। फिर उसके बाद में ये अब हम इसमें डाल देंगे हमारा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद में इसे अच्छे से हम लोग कर देंगे मिक्स। और इसे मिक्स करने के बाद में हम डाल देंगे इसमें कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद में हमें इस प्याज को पूरा नहीं भूनना है, लगभग 1 मिनट के लिए इसे हल्का सा इसका रॉ टेस्ट ख़त्म हो जाना चाहिए तब तक हमें इसे भूनना है। तो इस तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से अब देखिए हमारे प्याज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसे कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। सो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से कर देना है मिक्स, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे हमारा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को मसालों का हम लोग कर इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करना है आपको। अब हम लोग डाल देंगे इसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें डाल देंगे, और इस पेस्ट को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमें इसे तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। तो इसे ढक करके और हम लोग इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं नमक। सो नमक काला नमक दोनों मैंने मिक्स करके लिया है यहाँ पे, दोनों को हम लोग डाल देंगे इसमें और ढक करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी ये बिल्कुल मसाला जो है वो पूरा पक चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है इसने, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें हमारी फ्राई की हुई भिंडी, जो हमने पहले फ्राई की थी वह भिंडी हम इसमें डाल देते हैं। और इसे हम लोगों को अच्छे से मिक्स कर देना है। हर एक भिंडी पे अच्छे से मसाले की कोट हो जानी चाहिए, इतना हम लोग इसे करेंगे मिक्स। बहुत टेस्टी लगेगी ये सब्जी हमें। तो जस्ट आप देख सकते हैं अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए
अच्छे से हम मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम लोग हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मतलब वो मसाला डालेंगे जो हमने पहले रोस्ट करके बनाया था ना, वही मसाला इसमें डाल देंगे लास्ट एंड फाइनली। तो इस पर हमें आपको फिर गर्म मसाला डालने की भी ज़रूरत नहीं है इस मसाले से। अब मेरा फेवरेट मतलब डोसा मसाला हम इस पर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और हम लोग कर देंगे अच्छे से हर एक चीज़ को अच्छे से मिक्स। इस तरीके से अच्छे से आपको हर एक चीज़ को मिक्स करना है। अब देखिए हमारी भिंडी ऑलरेडी यहाँ पे पकी हुई है, फिर भी हम इसे 2 मिनट के लिए मसाले के साथ पकाएंगे ढक करके। तो इसे पका लेते हैं। अब हम ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत शानदार सी। तो ये देखिए हमने इसे सर्व कर दिया है, बहुत टेस्टी लगती है ना आपको दिखने में ये। सो जब कभी आपका भिंडी की कोई चटपटी सब्जी खाने का मन हो सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जब कभी आपके घर में गेस्ट आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स शानदार से हमारी सब्जी बनके रेडी हुई है। अब